बड़ी खबर की बड़ी खबर पटना से है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा हो रहा है। स्कूलों के शेड्यूल पर सदन में सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें, प्रश्नोत्तर काल में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने की मांग उठी है। विपक्षी दलों ने के पाठक को हटाने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह है के पाठक। स्कूलों के शेड्यूल पर सदन में सवाल खड़े किए गए। प्रश्नोत्तर काल में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। तो वहीं के पाठक को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक से बात करने की बात कही है। उन्होंने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग रखने की बात सीएम ने कही है। यानी जो अभी सरकारी स्कूल के टाइम है उसमें बदलाव की बात जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। अरे हम भी तो पढ़ते थे ना भाई। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछे बोल रहे, आज ही हम बात कर लेंगे। और संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यानी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है? जी बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि 9 बजे क्यों चलाए जा रहे हैं बिहार, और निर्देश उन्होंने पहले ही ये कहा है कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल का समय होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि वे आज ही शिक्षा विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे बुलाकर उनसे बातचीत करता हूं, पूछता हूं कि ये निर्णय कैसे लिया गया। तो काफी सख्त थे इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आज चलिए शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस जुड़ती हूँ, एक बार फिर से सुना देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में क्या कहा है। अरे हम भी तो पढ़ते थे ना भाई। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछे बोल रहे, आज ही हम बात कर लेंगे। अरे हम भी तो शैलेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते रहे हैं अब तक उनके कामों की, और अभी जब ये सवाल उठाए गए हैं तो उन्होंने इस पर संज्ञान जरूर लिया है। अब क्या कुछ आगे हो सकता है अगर हम देखें तो? फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि जो समय में परिवर्तन किया गया था उसके बाद अब फिर से सदन में आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहे, जब विपक्ष और खास करके जो लेफ्ट के विधायक है उनके बड़ी बात है कि इस मामले में जो पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी हाथों में पर्चा लेकर के विधानसभा के परिसर में आज इस मामले में प्रदर्शन किया। और जब ये मामला सदन में उठाया गया, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पहुंचते वो खड़ा होकर के उन्होंने खुद से इस बात का जिक्र किया कि मैं भी स्कूल में पढ़ता था, उसमें भी यह समय था, लेकिन 9 बजे स्कूल चला जाता है यह बिल्कुल गलत है। और उन्होंने चलिए शैलेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान हमने आपको सुनाया।